नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। नीम का थाना जिले के प्रभारी सचिव इंद्रजीत सिंह ने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के उपखंड कार्यालय का तथा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निरीक्षण किया और कई स्थानों का दौरा किया, जहां पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर बातचीत की और बजट घोषणाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने क्षेत्रीय अधिकारियों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं रेलवे फ्रेट कॉरिडोर पर जाकर निरीक्षण किया और आगामी समय में बजट घोषणाओं के अनुसार होने वाले कार्यों के लिए जगह का अवलोकन किया। फ्रेट कॉरिडोर न्यू रेलवे स्टेशन के अवलोकन हेतु प्रभारी सचिव इंद्रजीत सिंह श्री माधोपुर पहुंचे, जहां पर जनसेवक मेवाराम बिजरणिया ने प्रभारी सचिव को कई समस्याओं से अवगत कराया और व्यक्तिगत चर्चा की। चर्चा कर ठाणी दारूवाली व ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 7 के लोगों से आवागमन में रही समस्याओं और अंडरपास की मांग से अवगत कराया। प्रभारी सचिव के साथ जिला कलेक्टर नीमका थाना शरद मेहरा, श्री माधोपुर उपखंड अधिकारी अनिल कुमार, थानाधिकारी जय सिंह बसेरा सहित क्षेत्रीय अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान सरकार द्वारा समस्त प्रभारी सचिव गणों को आदेश प्राप्त हुए हैं कि वो सभी लोग अपने अपने प्रभार के जिले में जाएं और वहाँ पे बजट घोषणाओं का रिव्यू करें और उनको कैसे गति दी जा सकती है उसके लिए प्रयास करें। शुक्रवार शाम से प्रभारी सचिव होने के नाते मैं नीमका थाना ज़िले में हूँ। कलेक्टर महोदय के साथ सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है और कल भी और आज भी फील्ड विजिट्स चल रही हैं। कल जैसे उदयपुर वाटी मनसा माता राजीविका महिलाओं के साथ चर्चा, और आज आप देख रहे हैं कि श्री माधोपुर के अंदर जितनी भी हमारी बजट घोषणाएँ हुई हैं, चाहे वो अमृत 2.0 के तहत वाटर सप्लाई के काम हो, वाटर रिनोवेशन के काम हो, सीवरेज के काम हो, उनके ऊपर दफ्तर में बैठ के चर्चा भी हुई और मौका भी देखा गया। उसी प्रकार से अभी जिस साइट पे हम खड़े हैं, DFC डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के तहत श्री माधोपुर में जो कंटेनर डिपो बनेगा, उसको कैसे हम लोग अच्छे से एक्सेस दे सकें, उसके लिए जो बजट घोषणा में रोड प्लान हुई है उसका अलाइनमेंट, उसका लैंड और उसकी पूरी व्यवस्था अभी कलेक्टर साहब और सीनियर अधिकारियों के साथ देखी है, और आगे भी पूरा दिन जो है वो सभी बजट घोषणाओं के बारे में चर्चा भी होगी और फील्ड विजिट्स भी होगी।